मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और लगातार आज 5 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के नामांकन की झलकियां हम लगातार आपको दिखाते रहे। हम बता दें कि दरभंगा में जो चुनावी माहौल है उसमें एनडीए के उम्मीदवार के रूप में गोपाल जी ठाकुर का नाम जब तय किया गया था, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग था जो आज खुल कर देखने को मिला। तो तुम्हारे सीमा में घुसकर पीटने का काम अगर करेंगे क्यों, तो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मित्रों, समय सीमा निर्धारित है, कहना तो मधुबनी से जय अशोक और तय है अशोक, कोई किंतु और परंतु इसमें नहीं है। और समस्तीपुर से स्वयं रामचंद्र जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो रामचंद्र जी की कृपा पूरे मिथिलांचल। सुबह जब गोपाल जी ठाकुर श्याम मंदिर पहुंचे, वहां उन्होंने पूजा अर्चना की, मनोकामना मंदिर गए, फिर वहां अपने पूरे समर्थकों को वहां संबोधित किया और प्रणाम पूजा करने के बाद वहां से वो सीधा दोनार होते हुए, अलपट्टी होते हुए मेडिकल ग्राउंड पहुंचे। महागठबंधन का खाता नहीं खुलेगा और मैं अपने प्रदेश के सच और केंद्रीय नेतृत्व को बताना चाहता हूँ, आज तक दरभंगा संसदीय क्षेत्र में जितने वोट से हम लोग नहीं जीते उससे ज्यादा वोट से हम लोग गोपाल जी ठाकुर को जिता के भेजेंगे। और हम दरभंगा विधानसभा में आज तक जितनी लीड से कोई भी प्रत्याशी नहीं जीता उतना दरभंगा विधानसभा से गोपाल जी ठाकुर को लीड होगा, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मंचस्थ सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हुए आप सभी लोगों को नमस्कार। तब तक काफी विलंब हो चुका था। मंच पर पहुंचे उन्होंने सबको धन्यवाद दिया और सबका आशीर्वाद लेकर वहां से मोटरसाइकिल से फिर रवाना हो गए समरनाली के लिए। और वहां 4 जो प्रत्याशी के साथ थे, संजय सरावगी, गोपाल जी ठाकुर, फिर उनके साथ सुनील भारती, अर्जुन सहनी, अमरनाथ गामी, ये नामांकन में पहुंचे और नामांकन के बाद वापस लौटे। फिर मंच पर उन्होंने सभा को संबोधित भी किया और सबका सभा बूथ तक नहीं गया है, पंचायत तक नहीं गया है, जिला का काम नहीं देता है और हेलीकॉप्टर से उड़कर निषाद के बीच में आता है और कहता है कि हम सड़क वाला है। हम धन्यवाद देते हैं मदन सहनी को जो गौरा बोरा विधानसभा में सनप मोला को पटलिया दिया था विधानसभा के चुनाव में। सनप मोला तो वो है, सनप मोला हरी सनिया पर बचे हैं, सनप मोला सुनील भाटी बचे हुआ है, सनप मोला कैप्टन निषाद के बेटा अजय निषाद बचा हुए। मित्रों और निषाद भाइयों से अपील करता हूँ और आदरणीय सुशील मोदी को आश्वासन देता हूँ कि मिथिलांचल के सभी। तो अब हम बताते हैं कि दरभंगा के मेडिकल ग्राउंड में चल रहे कार्यक्रम में वहाँ पर सभा को संबोधित करते हुए कई भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता मौजूद थे और कहा कि एक धरती से जुड़े हुए, एक गांव से जुड़े हुए एक गरीब को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर बता दिया कि यहाँ टिकट की बिक्री नहीं होती, यानी टिकट का जो ये सुना जाता वो नहीं होता। तो लगातार सभी मंच से इस बात को लेकर के संबोधित कर रहे हैं और सभी से कह रहे हैं कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाएं, वहां जा करके जो बूथ लेवल की कमेटी होती है उसको मजबूत करें, वोटरों को घर घर जा करके उन्हें समझाने का प्रयास करें
कि प्रधानमंत्री के जो योजनाएं हैं उस योजना से आपको कितना लाभ मिला, कहां क्या कमी रह गई, जो कमी रह गई वो अगले बार उसे पूरा करेंगे। पर बिहार में जो आशीर्वाद है इन दोनों आदमी के नेतृत्व में पूरा बिहार इस दरभंगा कमिश्नरी के वो गोपाल जी ठाकुर, ये अशोक यादव जी, रामचंद्र पासवान जी, आरपी मंडल जी और नित्यानंद राय जी, ये सारे उम्मीदवार इस दरभंगा कमिश्नरी के हैं। मैं सुशील मोदी जी को भरोसा दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से मिथिलांचल का ये 5 का 5 सीट आपके झोली में रहेगा और आपके नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार केंद्र में सरकार बनाने में पूरे मजबूती से अपना अधिकार देगा। बहुत बिहार के अभी उप मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश से जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान वो पहुंचे हैं, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के विधायक जुवेश मिश्रा, अर्जुन सैनी, संजय सरावगी के सभी नेताओं ने मंच पर संबोधित किया। यहाँ तक कि खासकर जो एक मुद्दा जो आजकल ज़्यादा देश में उभरा हुआ है, देशभक्ति का मामला, और सभी ये कहते हैं कि देश के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कंप्रोमाइज़ करेंगे तो हो सकता है कि आपका देश गुलाम हो जाए, फिर आपके देश पर अटैक हो सकता है पाकिस्तान का, कई तरह की बातें कही जाती है और इसको समझाने का भी प्रयास किया जाता है, और इससे जो वोटर है वो इस बात को भी अब समझने लगे हैं। गाँव के भी एक गरीब वोटर इस बात को समझने लगा और कहता है कि निश्चित तौर पर देश से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ये आंधी मतदान में परिवर्तित होने वाला है, मतदाता में खुशी है, जब विश्व में देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का झंडा ऊंचा हो रहा है, जब उनका साथ माननीय विकास पुरुष नीतीश जी का जब मिल रहा है तो चिंता की बात क्या है। निश्चित रूप से रामविलास जी जैसे नेते हमारे साथ है, तो जब तीनों मिल गए हैं तो बिहार का 40 का 40 चुनाव सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं, निश्चित विश्वास के साथ हम कह रहे हैं। मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने और इस बार फिर देश में मोदी की सरकार को लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता और नेता सतत प्रयत्नशील हैं और एक नया माहौल बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी ने जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो निकाला है, घोषणा पत्र, उसमें जो उन्होंने 2-3 बातें कही है उसे ज़्यादा चुभने लगा लोगों को। उनका कहना है कि घोषणा पत्र में था कि 124A को वहाँ पर जब उसकी समीक्षा करेंगे, यानी कि लोग का अपमान है कि उसे हटा सकें। उन्होंने कहा कि वहाँ से अर्धसैनिक बल को वापस या कम करेंगे, वहाँ जितने अर्धसैनिक बल हैं उसको कम करेंगे। इसके लिए आक्रोश है कि जहाँ एक तरफ कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा आतंकवादी का हमला होता है, वहाँ पर जो सेना के जवान है उस पर हमला होता है, ऐसे में अगर वहाँ अर्धसैनिक बल को कम करेंगे तो इसका नुकसान पहुँचेगा भारत को। यहाँ तीनों बगल के उम्मीदवार हैं, ये तीनों ही पूर्व परिचित हैं, तीनों ही कर्मठ हैं, तीनों ही अच्छे काम करते हैं, और माननीय गोपाल जी हों या माननीय अशोक जी हों, दोनों नीचे से काम करते करते आगे बढ़े हैं। मैं कभी कभी माननीय हुकुमदेव बाबू को सुनता हूँ तो माननीय हुकुमदेव बाबू कहते हैं कि हम तो राजनीति को खेत के मेड़ से शुरू किया था और खेत से मेड़ से शुरू करके पार्लियामेंट के सर्वश्रेष्ठ सांसद तक की यात्रा किए हैं। उसी तरह से हमारे ये गोपाल जी, अशोक जी, रामचंद्र जी, ये भी खेत के मेड़ से ही राजनीति शुरू किए हैं। हम गोपाल जी ठाकुर को जब टिकट दिया गया था तो किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि गोपाल जी ठाकुर को टिकट मिल सकता है, क्योंकि गरीब गोपाल जी ठाकुर जमीन से जुड़े हुए एक गरीब नेता कहे जाते हैं, जिनके पास कोई वैसा संपत्ति नहीं है या फिर बड़े पैसे वाले में गिने नहीं जाते। इसके साथ एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है, दरभंगा के एक एक व्यक्ति इसके लिए 29 तारीख तक एक देश के सिपाही के तरह, एक जो बॉर्डर पर सियाचिन पर हमारे सैनिक भाई
पहरा देते हैं, उसी तरह जीतेंगे नहीं और किसी से ज़्यादा वोट से मत से जिता के भेजेंगे। और एनडीए को सरकार बनाने में दरभंगा की भूमिका हमेशा से रही है, उसको ये बरकरार रखेंगे। अब है कि हम लोग इसके अलावा 370 धारे की बात है कि उस पर हम कोई बात नहीं करेंगे, इस तरह की कई ऐसे बातें जो देश से जुड़े हैं मामले हैं उसको इन लोगों ने मुद्दा बनाया है और इस मुद्दा को मन से भी बोले जा रहा है और फिर वोटरों के पास भी बोलने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये है अभी लगातार जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि दरभंगा में 5 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं गोपाल जी ठाकुर, उनके नामांकन में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी थी और देर शाम तक यह कार्यक्रम चल रहा है। द मिडी सिटी बाय डॉक्टर एमके शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मिडी सिटी, इमरजेंसी शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मिडी सिटी, दिग्घी वेस्ट मिसर टोला, दरभंगा। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। विपरीत परिस्थिति में पारस ने बचाई हजारों मरीजों की जान। एक बार फिर पारस हॉस्पिटल के द्वारा मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। एसएम रेजेंसी, एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। डॉन बॉस्को स्कूल, बीपी पाकर, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, कमजोर बच्चों के लिए अलग से देखभाल की व्यवस्था, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, यातायात की सुविधा, विकलांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था, गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा।